चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ यार भाई, कराची का बेस्ट गेस्ट हाउस है भाई, घर जैसा माहौल है। माँ जी 24 घंटे मेहमानों को एंटरटेन करती हैं यार, और खूबसरे मजे मजे के खाने बनाती हैं। ओ भाई बहुत कुछ है हमारे घर में, दुनिया का 8वां अजूबा, बड़े मुंह वाला इंसान है हमारे घर में। हाँ, एक जबरदस्त किस्म का तू ऐड बना और डाल दे सोशल मीडिया पे। ओके बाय अली इमरान। अबीर ये सब तुम क्या कह रहे थे? ओ जानू, इतनी लंबी लाइनें थी मेरी यार, अगर तुमने नहीं सुनी ना तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अबीर मुझे ये गेस्ट हाउस वाला आइडिया ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। याद है ना पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? हाँ जानू, पिछले एपिसोड में तो अच्छे खासे कमाए थे हमने। तुम प्लीज कोई और काम कर लो नबीर। असल में ना तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारे पापा जैसा अमीर बनूं और तीन तीन शादियां करके दुनिया घूमूं। शट अप नबील। कभी शट अप नबील, शट अप नबील की जगह वेल डन नबील, गुड लक नबील, वेरी गुड नबील कहा होता तो मैं भी दुनिया में कुछ कर लेता। बस अब तुम्हारी और नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में कितना प्रॉफिट है। अगर इस बार तुमने मेरा कमरा किराए पे दिया ना, मैं सच मुच पापा के घर चली जाऊंगी। जानू मैं तो कहता हूँ जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता ना, तुम अपने पापा के घर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं 15-20 हजार तुम्हें महीने का भेज दिया करूँगा। तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चलेगा नबील। जानू ऐसा एड बनवा के डाला है ना सोशल मीडिया पर, तुम देखना बुलबुले गेस्ट हाउस के बाहर लाइनें लग जाएंगी। शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में। ओए शबशे, कितने को प्यारे लग रहे हो तुम दोनों हैं। तेरा मेकअप कुछ फिक्का है, कोई नहीं रुखसती के टाइम रोई वोई होगी ना? जी नहीं। ओए शबशे, तू रुखसती पे नहीं रोई, मैं तो पूरे 4 घंटे रोती रही थी। वो क्यों? वो जो नदीदे मेहमान आए थे ना, उन्होंने बिरयानी में एक भी बोटी नहीं छोड़ी थी, और वो नीचे की खुरचन देख देख के तो मुझे रोना आ ही जा रहा था। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। ओ कोई नहीं, मैंने भी अपनी दूसरी शादी में ना बरात वाले दिन इतना खाया कि उल्टियां लग गई। अच्छा आंटी, हम अंदर आ जाए? शादी में तो हमें बुलाया नहीं, अब मुंह दिखाई लेने के लिए ना बीवी को साथ ले आया। अरे मैं इसे आप लोगों से मिलवाने नहीं लाया। तो क्या वलीमे की दावत देने आया है? पर एक शर्त पे आऊंगी कि तू वापसी में ना सारा खाना बांध के तू मेरे साथ करेगा। डन डन आंटी, बिल्कुल डन। आप तो आप हमें अंदर ले जाएंगी। शक्कर मंडा वे। और क्या ये चिड़िया घर है? हाँ हाँ भाई, शहर का मशहूर और बेहतरीन गेस्ट हाउस है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हमें 2-4 रोज के लिए कमरा रेंट पे चाहिए। क्यों, तुम लोगों का घर कहाँ है? हाँ हाँ घर है ना, लेकिन मेहमानों से भरा हुआ है, और हमें कुछ दिनों के लिए प्राइवेसी चाहिए। यार महमू साहब क्या करें, ये लोग तो शादी से सीधा ही इधर आ गए हैं, क्या करें, रूम दे ने? हाँ, इनसे निकाह नामा मांग लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। हाँ ये सही है, आप लोग एक काम करें, आप लोग अपना निकाह नामा दिखाएं और 3 दिन का एडवांस दे प्लीज। बबली जान तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ खूबसूरत, और माँ जी आप लोग दुल्हन को ना ऊपर ले जाए कमरा दिखाएं, जब तक हम दूल्हे से दो दो हाथ कर लें। मेरा मतलब है बात तय कर लेना, मामला तय कर लेते हैं। आओ चल मेरा भाई, आओ। ये ले जी निकाह नामा। अरे वाह वाह वाह, मैं सब आप चेक करें यार। और ये ले जी एडवांस की रकम। ये 3 दिन का एडवांस, बल्कि ऐसा करें ये भी रखें एक्स्ट्रा पैसे शादी की खुशी में। अरे अरे वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रखो। चाचा वो कमरा सजाने का बंदोबस्त हो सकता है? चाचा अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर मामा कहते ना तो सजा देते ही नबील। अच्छा एक बात हो, मैं और बबली यहाँ रह रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो। ओ भाई ये जो निकाह नामा दिखाया तूने असली है ना, आपस में शादी शुदा ही हो ना तुम लोग? अरे हाँ भाई शादी शुदा है, वो दरअसल ना हमारे चिपकू रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो रश लगा देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे, कभी ये रसम कभी वो रसम, आप तो समझ सकते हैं ना। अच्छा मैं अब चलता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दे ताकि कुछ चीज मंगवानी हो तो बार बार ऊपर नीचे चक्कर ना लगे। भाई तुम एक काम करो, तुम महमूद साहब का नंबर ले लो। मैं दे देता हूँ नंबर, है लिखो, चलो कान इधर लाओ। ओ भाई किसका नंबर दे रहे हैं महमूद साहब? अच्छा यार महमूद साहब,
मेरे गेस्ट हाउस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तुम्हारा गेस्ट हाउस? हाँ महमूद साहब, जाहिर सी बात है, अभी मेरे ससुर का घर है तो गेस्ट हाउस भी मेरा ही हुआ ना। नबील, मुझे तुम्हारी बातों से ना लालच की बू आ रही है। और मुझे आपके मुंह से मूली के अचार की बू आ रही है जो आपने चार पराठों के साथ खाया। अरे वो तो जाहिर है, वो अचार को फफूंदी लग रही थी। तुमसे मैंने कहा भी था कि यार नाश्ते में 3-4 आइटम्स तो रखा करो ना। क्यों भाई, अब आपकी पेंशन क्या डबल हो गई है जो 5-स्टार वाला नाश्ता दूंगा आपको? नबील, अब तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है यार। अरे महमूद साहब, आपको नहीं पता मैं किस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ। किस ऊंचाई पे? उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से मैं आपको नीचे धक्का दे सकूं। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप काफी अंदर आ गए। नहीं, मैं माजर चाहता हूँ, असल में दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर चला आया। मुझे ये पता करना था कि बुलबुले गेस्ट हाउस यही है। जी 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 जी। क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं मिल सकता। अरे खूबसूरत नहीं मारेगी नबी? पर माँ जी मान जाएगी महमूद साहब, खूबसूरत तो माँ जी एक कमरे में रहेंगी, मैं और आप लाउंज में। यार आएगी रोजी को नहीं ठुकराते। अगर ब्रदर, अगर आप दोनों की बातें मुकम्मल हो गई तो मुझे बता दीजिए क्या मुझे कमरा मिलेगा या नहीं है, मैं कहीं और जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको कमरा मिलेगा। आए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आए महमूद साहब, आइए। बहुत ही लड़कों वाली तबीयत है इस शख्स की। आइए आइए। माँ जी ये क्या है? ये मेरा कमाऊ पूत अदील है, तो ये मेरे बड़े मुंह वाले शौहर हैं शुमेला। खूबसूरत? हाँ मुंह बड़ा है पर है खूबसूरत। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना सामान यहाँ क्यों ले आई हैं? जानू वो इसलिए कि माँ जी 3-4 दिन तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहे। सॉरी, मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती, बहुत खतरनाक कराटे रहती है ये। अरे भाई तो तुम कानों में रुई ठूस लेना ना। और ये कभी कभी नींद में चलती भी है। वो तो जब मैं ज्यादा रोटियाँ खा लेती हूँ तो उसको हजम करने के लिए तो चलती हूँ कभी कभी। फिर भी आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। चुप है, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी वो, मैं तो बस इधर ही रहूंगी। हाँ भाई, 3-4 दिन की तो बात है, उसके बाद हमारा कमरा खाली हो जाएगा, हम चले जाएंगे। क्या आप लोगों ने एक और कमरा रेंट पे दे दिया? हाँ दे दिया, जैसे को दूसरा गेस्ट आएगा ये कमरा भी किराए पे दूंगा। इस घर में अब सिर्फ मेरा होकर चलेगा। शट अप नबी। ओ यू शट अप। बॉनी अच्छी हो गई है दूल्हा दुल्हन से, देखो एक और गेस्ट भी आ गया। सब फोन उठाए ना यार। नबीली कोई अननोन नंबर है यार, फरखंदा जी का ना हो। वो अक्सर ना मुझे सौदे मंगवा लेती होती है, हम सही है। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। हेलो जी फरखंद। ओ बबलू बात कर रहे हैं जी? बबलू? हाँ बबलू बोल रहा हूँ। ऐसा करें कि घर से खाना बनवा कर ऊपर ले। वो क्या है कि मेरी बबली का पेट खराब हो जाता है अगर वो बाहर का खाना खाए। जरा जल्दी ले आए। अच्छा ओके ओके। भाई वो बबलू और बबली का फोन है, वो कह रहे हैं कि उसे भूख लगी है बबली को, तो कोई खाना वाना भेज दे ऊपर। अरे इसमें क्या है महमूद साहब, खूबसूरत 2 मिनट में खाना बना देगी। जी नहीं। अरे जानू तुम अपने हस्बैंड के कारोबार को बढ़ाने में बिल्कुल मदद नहीं करोगी। किचन में कोई सामान नहीं है खाना बनाने के लिए नबील। वो तो मैंने सुबह ही ला के रख दिया था, लेकिन तुम टेंशन ना लो जानू, ये पकड़ो 20,000 रुपया रखो। क्या याद करोगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आप पापा जी से मैंने एक बूटी कौड़ी नहीं लेनी। ओए कटिया, माँ की हथेली पे 2 पैसे रखते हुए तुझे बड़ी वो आ रही है। ओ यार आपके पास 2 पैसे हैं? नहीं है यार। अरे माँ जी टेंशन क्यों ले रही है, पकड़े आप भी क्या याद करेगी। जाए देखे बाहर कोई आया है। जाए शाबाश। मुझे भी कोई दे दो यार। शाबाश, आपका यही बनता था महमूद साहब। वेल डन, शाबाश। अब ये कौन है शुरली? कैंडल शरीफ है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कह रहा है कि शरीफ है। शरीफ तो महमूद साहब भी अपने आप को कहते हैं भाई। ओ भाई मेरा नाम शरीफ है, कमरा चाहिए मिल जाएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। तू तो हिलना नहीं, नहीं तो भूख के रख दूंगा तुझे। याद रखना।
आंखें खोल के देख, हाथ में गन नहीं है, गन है गन। चेकी छे गोलियां तेरे सीने में उतरेगी, समझा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? तेरे पीछे कौन है? ओ मैं अपने भाई के पीछे आया हूँ। हाँ अबे तू उसकी फिक्र मत कर, तेरे भाई को तो गोली मारूंगा मारूंगा और अपनी बहन को भी गोली मारूंगा। अबे तुझसे पहले तेरी बहन को और अपने भाई को खुद ढूंढ के गोली उतारूंगा उनके सीने में। अबे तू क्या गोली मारेगा, तुम्हारा तो पूरा खानदान बुझती ले। मेरे परदादा ने तेरे परदादा को कैसे गोली मारी थी याद नहीं तुझे? जिसका बदला मेरे दादा ने तेरे दादा को मार के लिया था। मेरे अब्बा ने तेरे अब्बा की शादी में तेरे तीन चाचों को कैसे घुस के मारा था याद नहीं? अबे तू भूल रहा है, मेरे चाचा के बदले में तेरे तीन मामूजाद और तीन चाचाजाद जो मारे गए थे वो। अबे साले तुझे तो मैं यही मार के रहूंगा। अरे तुम लोग इतने बड़े हो गए हो और ये बच्चों वाले खिलौनों से खेल रहे हो। अबे ओ चाचा गोली चला कर दिखाऊं क्या असली नकली? चाचा ये भी? ओ भाई इन गन्स को अंदर रखो यार, अगर हमारी बीवी ने देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। पहले मुझे ये बताओ इस आदमी को यहाँ रखा क्यों है? अबे पैसे दे कर दे रहा हूँ, इसके हिस्से के पैसे मुझसे लो, इसको दफा करो यहाँ से। अच्छा तू मुझे निकालेगा? अबे बताओ तुझे सर। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग यार, ये गन्स को अंदर रखे बाहर चलते हैं और आराम से मोसेस लोगों की तरह बैठ के टेबल पे बात कर लेते हैं। चले चले। अच्छा अच्छा इसको बोला ना ये चले पहले। पहले तू चल। ओए बाहर लोगों के लिए कहते हैं हम चलते हैं, आप लोग साथ साथ पीछे पीछे आ जाओ, साथ पीछे पीछे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए आइए। आप जहाँ से शिफ्ट यहाँ मेरे पास। आप बताएं कि आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी खानदानी दुश्मनी चली है। हाँ, पिछले 7 नस्लों से चली आ रही है दुश्मनी और अब तो 100 नस्लों तक चलेगी, क्योंकि इसका भाई मेरी बहन को भगा के ले गया। ओ भाई ओए ओए, मेरा भाई बबलू बहुत शरीफ आदमी है। झूठ बोल रही है, शरीफ तो ये खुद है। ओ भाई मैं तो नाम के शरीफ हूँ, वो तो असली शरीफ है, इसकी बहन ने उसको भड़काया है। ओए मेरी बबली गाय है। अच्छा तो इसके भाई ने आपकी गाय भगाई है? अरे नहीं, मेरी बहन गाय जैसी सीधी है, लेकिन उसके गुनाह के ऊपर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके भाई को भी जान से मार दूंगा। तो उससे पहले तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। ओ भाई खुदा का वास्ता, जब वो मिल जाए तो मिलके गोली मार देना, हमारी जान क्यों निकाल रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से अपने अपने कमरों में जाएं, हम मोहल्ले में पूछते हैं कि किसी ने आपके बहन या भाई को देखा तो नहीं है। जैसे ही हमें कोई इत्तला मिली हम आपको बता देंगे। हाँ तो पहले मुझे बताना। पहले मुझे बताएंगे? मुझे बताओगे तुम दोनों? वो पहले मुझे। अब भाई हम आप दोनों को इकट्ठा साथ बता देंगे, अब आप लोग जाएं अपने कमरे में जाएं प्लीज। जाएं जाएं प्लीज, आराम से प्लीज, आराम से जेबों में रखे प्लीज प्लीज प्लीज। जाएं जाएं जाएं। यार मैं मुसाल, यार मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, अंधेरा सा। मुझे तुम्हारी आंखों के आगे छा रहा है वो अंधेरा है। हाँ मैं मुसाल। जो भूख दो अब। नहीं ये ना करे, ये ना करे। उफल्ला खाना कहाँ रह गया? मेरी भूख के मारे जान निकले जा रही है। अरे आ जाएगा खाना भी, तुम घूंघट तो नीचे करो, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई देनी है। अरे ये क्या बदतमीजी है, आप लोग नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह से घुसे? अभी तो मैंने मुंह दिखाई नहीं दी। भाई तेरा नीचे भाई आया हुआ तेरी मुंह दिखाई लेकर। शरीफ भाई आ गए। शरीफ? अरे बहुत बात पे गन निकाल लेता है, काहे का शरीफ। बबलू मेरी मुंह दिखाई तो दे दो, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें गोली मार दी तो मेरी मुंह दिखाई बीच में रह जाएगी। तुम्हारा भाई शुकूर भी नीचे है, तुम्हें गोलियों की ना सलामी देने आया है। बबलू अब क्या होगा? ओ भाई देखो हमारे गेस्ट हाउस में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। हाँ नीचे और अपने भाइयों से बात करो, चल के संभालो उनको। नहीं, अगर हम उनके सामने चले गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई ये हमारा मसला नहीं है। अरे वो हमारे साथ साथ आप लोगों को भी गोली मार देंगे। अब ये हमारा मसला है। लेकिन क्यों भाई? जाहिर है आप लोगों ने हमें पनाह जो दी है। मैं मुसवाब हम क्या करें? मैं बताता हूँ, किसी भी तरह उन दोनों को यहाँ से निकालो या फिर उनसे नजरें बचाकर हमें यहाँ से भगा दो भाई, वरना हमारे साथ साथ आप लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी, बता रहा हूँ। अब आप लोग जाएं तो मैं बबलू से मुंह दिखाई ले लूं। जी जी आप मुंह दिखाई ले लें, हम आप लोगों के भाइयों के मुंह देखते हैं जाके। चले मामू साहब आपने भी क्या मुंह दिखाई लेनी है यार? नबील इस उम्र में आप मुझे मुंह दिखाई कौन देगा यार? चले चेक करते हैं, शायद माँ जी कुछ दे ही दें। माँ जी जल्दी करें। चलो 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 मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। चलो नीला अपना गुर्दा देके मेरे पुत्र की जान बचा ले प्लीज। माँ
जी मुझे इसके गुर्दे की जरूरत नहीं है यार। पर वैसे भी इतना छोटा सा गुर्दा इसे कहाँ पूरा आएगा? क्या मसला है? चलो पापा जी से कह के ना फौरन ऊपर छत पे ना हेलीकॉप्टर मंगवा लो। क्यों? अरे वो बबलू और बबली ने ना अपने घर से भाग के शादी की है भाई, इसीलिए हम भी घर से भाग के वो करेंगे इश्फाक। अरे मोमो इन दोनों की खानदानी दुश्मनी पिछली 7 नस्लों से चलती आ रही है और इनके भाई गन लेके इनकी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या वो दोनों बबलू और बबली के भाई हैं? हाँ जानू, और अगर उन्हें पता चल गया कि बबलू बबली यहीं रह रहे हैं तो वो दोनों उन दोनों को मारने की बजाय हमें पहले मारेंगे, बाद में उनको मारेंगे। बबली इस खूबसूरत हमें बचा लो। हाँ सुनैया, अपने पापे से कह के जल्दी से उड़न खटोला मंगवा ले ना। मैं कुछ नहीं मंगवा रही, आप लोगों को बहुत शौक था ना बुलबुले गेस्ट हाउस बनाने का, अब भुगते। हाय पुत्र, ये औरत कभी हमारी वो नहीं करती, अब क्या करेंगे हम? बस माँ जी, जब तक बबलू बबली इस घर में है ना, उनके भाइयों को ऊपर नहीं जाने देना हमने। डन पुत्र डन, चल जल्दी से उसको बताएं चल के कि बबली बबलू ऊपर है ही नहीं। ये मोमो बबलू और बबली का नाम नहीं लेना भाई, तुम खुदा के लिए चुप करो, तुम खूबसूरत के साथ काम करो। आओ ना भी हम चले चले चले, वो सब उन पे नजर रखनी है। भाई आप कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? कहां कहां जा रहा हूं? और छत पे जा रहा हूं। और 2-4 दिन से फायरिंग नहीं की ना, वो तबीयत अजीब सी हो रही है, और मैंने सोचा छत पे जाके 2-4 फायर ही मार लूं। अरे भाई, अगर आप छत पे जाके फायरिंग करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, तो फिर आप अपनी बहन को कैसे ढूंढेंगे? और बहन को तो मैं अच्छी तरह ढूंढ ही लूंगा, समझा? ओ मुझे लगता है ऊपर कोई है। मुझे कैसे पता होगा नबील? अरे इस घर के सारे फैसले तो तुम करते हो, तुम बताओ ना। नहीं ये वाला फैसला आप नहीं, नहीं मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। तूने ऊपर किसको देखा है? ओ भाई, मैंने अपनी इन आंखों से दुल्हन का ऊपर बालकनी में दुपट्टा लहराते हुए देखा है। वो तो नबील बताएगा ना। मैं वो माँ जी ने ना अपनी शादी का जोड़ा जो है ना उसको धूप लगवानी थी, वो उन्होंने रखा है। अच्छा मैं अभी देख क्या था? कैसी बातें कर रहे हैं, 10 साल पुराना जोड़ा है, देखकर क्या करोगे भाई? वैसे भी गर्मा गर्म खाना तैयार है ना, चले चल के खाना खाते हैं। खाना 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 खाए आप लोग और अभी सो जाए, सुबह सो के उठिएगा तो फिर हम सब मिलकर आपकी बहन भाई को ढूंढ लेंगे। चलो फिर ठीक है, आप खाना खिलाओ। चले चले चले, गर्ल्स को अंदर रखिए ना, गर्ल्स को अंदर रखिए ना, खाना चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। मां जी ये खाना कहाँ से आया है? वो लोग तो सब खा गए थे। अरे मुझे पता था ना कि वो नदीदे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने हिस्सा लेटा कर लिया। आइए अच्छा किया मोमो कि तुमने हमारे लिए ना खाना बचा लिया। चुप है, ये खाना सिर्फ मैंने खाना है। हेलो। अरे चाचा, घर के खाने का कहा था, भिजवा दो खुदा के लिए, भूख से जान जा रही है यार, मेरी बबली का ही ख्याल कर लो। क्या हुआ मैं मुसब, कौन था? बबलू की कॉल है यार, कह रहे मेरी बीवी का कुछ ख्याल कर लो। खबरदार, जो मेरे सिवा किसी और का वो किया हो तो। अरे यार मैं देखाता हूँ बबली को हुआ क्या है। कोई जरूरत नहीं है नबील, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। ओ जानू तुम समझ नहीं रही हो, उन दोनों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, अगर उनके भाइयों को पता चल गया, बिनक पड़ गई उनके कानों में, तो वो हमें गोलियां मारेंगे यार उनके साथ। माँ जी खुदा का वास्ता थोड़ा खाना बचा लीजिएगा। खबरदार, मैंने अपना खाना किसी को नहीं देना। ना दो भाई। आओ यार नबील, हम बाहर से जाके ना बर्गर ले आते हैं। मेरे लिए भी 2 बर्गर लेकर आना वजाहत। महमूद ना, महमूद के लिए नहीं, मेरे लिए। और ठीक है माँ जी, जानो तुम तो कुछ नहीं खाओगी ना बाहर का, क्योंकि तुम्हारा तो पेट खराब हो जाता है। शट अप नबील, मैं खाऊंगी। अच्छा जानू, ओके आइए मैं मूसा। आइए 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 जाइए दलावर। माँ जी एक बाइट तो दे दे। दाने दाने पे मोर लगी है। मो 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 एक ने वाला ना आता ही होगा। ओ शुक्र है आप लोग आ गए,
मेरी तो भूख के मारे जान निकले जा रही। और हमारी डर के मारे। ये क्या है? बर्गर। लेकिन मैंने तो घर के खाने का कहा था, गर्मा गर्म बबली के लिए। ओ भाई, तुम लोग के जो सांड भाई हैं वो खा गए, हम लोग खुद भूखे फिर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। ये खाओ और जल्दी से तैयारी करो भागने की। देखो भाई, मैं खाते ही नहीं भाग सकती। ठीक है, फिर खाते ही मर जाना अपने भाइयों के हाथों। ओ भाई, मेरी बात गौर से सुनो, जैसे ही मेरी मिस कॉल सुनो ना, तुम लोगों ने फौरन भागते हुए नीचे आना है और घर से हमारे भाग जाना, हमारी जान छोड़ो यार। ठीक है नबील भाई। अच्छा, वो बाकी के दो दिन का एडवांस वापस कर देना नबील भाई। ओ भाई, किस चीज का एडवांस वापस करूं? एक तो मैं मुश्किल में डाल दिया, हमारी जाने जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है, ऊपर से तुम्हें एडवांस वापस कर दूं? हाँ, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी ना, तो वापस आ जाना हनीमून मनाने हमारे गेस्ट हाउस में, 50% डिस्काउंट दे देंगे तुम्हें। ओ दे देंगे। अच्छा सुनो, अपनी पैकिंग करो और मेरी मिस्ड कॉल का इंतजार करना, पूरी तरह नीचे आना। चलो चलो, मैं मुझे सो रहा है। अरे ये सांड भी सो रहा है, खराटे ले रहा है बड़े बड़े। उसको मिस कॉल दे, मिस कॉल दे। हाँ, मिस कॉल देते हैं। जल्दी से ये रुक जाए ताकि बला टले। और नबी, आइंदा तुम नीचे वाले कमरे में कोई गेस्ट नहीं रखोगे। जानू, अगर इस बार हम जिंदा बच गए ना, मुझे महमूद साहब के मुंह की कसम है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जानू, अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया, वरना हमारे भाई तो हमें देखते गोली मार देते। गोली तो तुझे बहना, मैं अब भी मारूंगा भाई। चलो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ जी के अलावा एक एक को मारेंगे। तुम लोग इसके साथ मिले हुए थे? हाँ, वो तो अच्छा हुआ माँ जी ने 500 रुपए लेके सब सच सच बता दिया हमें। माँ जी, वो तुम मेरे लिए बर्गर क्यों नहीं लाए थे? चलो भाई, बिस्मिल्लाह करो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं।